हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्नोट्रॉन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूट्यूब का चैनल कैसे ओपन करते हैं या फिर यूट्यूब का नया चैनल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर यूट्यूब का चैनल ओपन करना है तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, हमें हमारे पास क्या होना चाहिए तभी हम यूट्यूब का चैनल ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होनी चाहिए एक ईमेल आईडी। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो सबसे पहले आपको ईमेल आईडी बनानी पड़ेगी। तो ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं उसका एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है और उसका जो लिंक है या फिर उसका जो यूआरएल है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस वीडियो को देख के सबसे पहले आप अपना जीमेल का एक आईडी बना लो, जिसको हम ईमेल आईडी बोलते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी ईमेल आईडी है तो सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पर टाइप करना है किसी भी ब्राउज़र के यूआरएल बॉक्स में हमें टाइप करना है यूट्यूब और एंटर। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो सबसे पहले ये वाला साइट आया है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में, तो ये पूरा भी लोड हो चुका है। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर आप यहाँ पे राइट साइड में देखोगे तो साइन इन का एक ऑप्शन आया है। अगर आपने ऑलरेडी साइन इन करके रखा होता ना तो यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन नहीं आता, डायरेक्टली आपका आइकॉन आ जाता जिस ईमेल आईडी से आपने लॉगिन कर लिया है। तो अभी मैंने इस ब्राउज़र पे किसी भी ईमेल आईडी से लॉगिन नहीं किया है इसलिए यहाँ पे साइन इन आया है। तो अगर आपको अकाउंट क्रिएट करना है तो आपको सबसे पहले साइन इन करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे हमें ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी जिस ईमेल आईडी से हमें साइन इन करना है या फिर जिस ईमेल आईडी से हमें यूट्यूब अकाउंट ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देता हूँ और सिंपल क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। फिर यहाँ पे हमें डालना होता है उसी ईमेल आईडी का पासवर्ड। ये पासवर्ड जो होता है वो जब हम ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं उस टाइम पे जो पासवर्ड यूज़ किया होता है वो पासवर्ड हमें यहाँ पे डालना है। यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया है और पासवर्ड डालने के बाद हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट बटन पे। अगर पासवर्ड सही नहीं होता है तो हमें यहाँ पे ये ऐसे कुछ मैसेज दिखेगा, जो कि मैंने जानबूझ के यहाँ पे पासवर्ड जो है गलत डाला था। तो सही पासवर्ड हमें यहाँ पे डालना ज़रूरी है। यहाँ पे पासवर्ड हमने डाल दिया है, अब क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट पे। तो जैसे ही हम पासवर्ड डालते हैं यहाँ पे कुछ पॉपअप आया है, तो मैं इसको डोंट सेव करता हूँ, पासवर्ड सेव करने के लिए पूछ रहा था तो मैंने उसको मना कर दिया। तो अभी अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा साइन इन हो चुका है। पहले यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आता था बट अभी हमारा जिस ईमेल आईडी से साइन इन किया है उसका इनिशियल लेटर यहाँ पे आप देख सकते हो। साइन इन करने के बाद हमें क्या करना है, ये वाला जो आइकॉन है यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से ऑप्शन आएगा क्रिएट अ चैनल करके, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें डालना होता है नेम, हमारे चैनल का नेम क्या है वो हमें डालना है। तो मैं यहाँ पे मेरे चैनल का नाम डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे चैनल का नेम डाल दिया है और यहाँ पे हमें हैंडलर से एक डालना पड़ता है और ये ऑटोमेटिक भी आ जाता है। अगर आपको इसको अगर आपको लगता है ये वाला हैंडल जो है वो नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको चेंज भी कर सकते हो। तो मेरे लिए अभी जो ऑटोमेटिक जनरेट हुआ है वही मैं यूज़ करने वाला हूँ और फिर हम क्लिक करेंगे क्रिएट चैनल पे। और यहाँ पे मेरा चैनल जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो मेरे यहाँ पे चैनल का नाम आया है और यहाँ पे हैंडल आया है। अभी सब्सक्राइबर जो है वो एक भी नहीं है और वीडियो भी एक भी नहीं, जस्ट अभी हमने ये चैनल क्रिएट किया है। और अभी इस चैनल के और ऑप्शंस आपको चाहिए तो हम यहाँ पे जा सकते हैं प्रोफाइल पे और यहाँ से यूट्यूब स्टूडियो। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं यूट्यूब स्टूडियो के अंदर में। तो फर्स्ट टाइम हमने किया है तो ये कुछ वेलकम टू यू यूट्यूब स्टूडियो कुछ गाइड टिप्स देगा हमें, कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ से कुछ है डार्क थीम, वो सारी चीज़ें जो भी है क्लोज अभी के लिए मैं करता हूँ। यो तो बेसिकली ये जो यहाँ पे दिखा रहा है ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है हमें कैसे यूज़ करना है सारी चीज़ें। तो जो भी आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे आओगे तो आपके यहाँ पे करंट सब्सक्राइबर दिखेंगे, लास्ट के 28 डे की समरी दिखेंगी, व्यूज़ कितने आए हैं, वॉच टाइम कितना है आपके चैनल पे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। यहाँ से आप अपलोड वीडियो कर सकते हो यहाँ से भी, या फिर यहाँ से भी क्रिएट करके एक ऑप्शन है, यहाँ से भी हम अपलोड कर सकते हैं।